नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पूजा आखिर क्यों नहीं की जाती, इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव शंकर को त्रिदेवों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। ब्रह्मा जी को संसार के रचयिता माना गया है, तो वहीं भगवान विष्णु को पालनहार और भोलेनाथ को संहारक माना गया है। इस संसार भगवान विष्णु और शिव के बहुत से मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर पूरे संसार में केवल 3 ही हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर जिसने इस संसार की रचना की उसके केवल 3 मंदिर ही क्यों हैं? अगर आप लोग भी यही जानना चाहते हैं तो आइए पौराणिक कथा के बारे में हम बताएंगे। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया और यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने एक कमल को पृथ्वी लोक भेजा। जिस स्थान पर वह कमल गिरा उसी जगह को यज्ञ के लिए चुना गया। किंवदंतियों के अनुसार जिस जगह वो कमल गिरा उसी जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना दिया गया और ये राजस्थान का पुष्कर शहर है, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण हुआ था। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था, सभी देवी देवताओं यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कुछ नहीं पता था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकालने लगे तो कोई ना उपाय देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ समय बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो देवी देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी, इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। मित्रों, यही कथा है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, जहां आप कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।